सुनीता इन स्पेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का ईवीएस का लेसन सुनीता इन स्पेस के क्वेश्चन आंसर्स। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट योर क्लास इज इन स्पेसशिप जूम। आप अपनी आंखें बंद करो, आप इमेजिन करो कि जैसे आप सारी क्लास कहाँ पे चले गए हो, स्पेसशिप के अंदर। इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेसशिप, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आप स्पेसशिप के अंदर एंटर हो गए हो। स्पेसशिप इज़ नो गोइंग अराउंड द अर्थ, अब तुम्हारी स्पेसशिप अर्थ से ऊपर जा रही है। नो से आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, क्या लग रहा है तुम एक जगह बैठे हो? आंसर नो आई एम नॉट एबल टू सिट इन वन प्लेस, एवरीवन सीन्स फ्लोटिंग इनसाइड दिस स्पेसक्राफ्ट। हर कोई एक जगह नहीं बैठा है, ऐसा लग रहा है हर कोई तैर रहा है, जैसे पानी पे चीज़ें देखती हैं तैरती हुई, फ्लोट करती हुई, ऐसे ही स्पेसशिप के अंदर हर कोई फ्लोट कर रहा है। व्हाट अबाउट योर हेयर्स, आपके बालों का क्या हो रहा है? माई हेयर्स टू सीम स्टैंड, ऐसा लग रहा है मेरे जो बाल हैं वो भी खड़े हो गए हैं। बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी, आपको मैंने कल ही पढ़ाया। ओ लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, तुम्हारे बैग और बुक्स कहाँ जा रहे हैं? ये आप इमेजिन कर रहे हो, ये इमेजिनरी है। माई बुक्स एंड बैग्स आर फ्लोटिंग इन साइड, जो बुक्स और बैग हैं वो भी अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तह रहे हैं स्पेसशिप के अंदर। एंड वॉट इज़ योर टीचर डूइंग, वेयर इज़ हर चाक, जिस चाक से या जिस मार्कर से वो लिखा रही है, वो टीचर का मार्कर या चाक कहाँ पे है, वो क्या करिए? माई टीचर टू इज़ फ्लोटिंग, वो भी फ्लोट कर रही है अंदर इन साइड द स्पेस एंड ट्राइंग टू कैच द चाक विच इज़ ऑल्सो, और वो पकड़ रही है चाक के पीछे पीछे, चाक को पकड़ रही है कि भाई मैं इससे लिखाऊँ। माय टीचर अच्छी है ना, हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, अब ब्रेक हुई तो आपने खाना कैसे खाया? हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, आपने पानी कैसे पिया? व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप, जो बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंका उसका क्या हुआ? नो आंसर क्या है, टू ईट अवर फूड वी हैव टू ग्रैब द फूड आइटम्स एंड हैव, हमें उनको इकट्ठा करना पड़ा और फिर हमने खाया। द वाटर वॉज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब्स, वी हैव टू सक द ब्लॉब्स, जैसे ना तो बुलबुले पानी के ऐसे हमने उनको जैसे वो उठा उठा के सक किया, हमने उनको चूसा, पानी ऐसे नहीं था। द बॉल विच यू थ्रू अप वॉज फ्लोटिंग, जो हमने बॉल ऊपर की तरफ फेंका वो भी फ्लोट कर रहा था। इजंट इट अमेजिंग, ये देखो ये जो हमने आपको बताया कि आप स्पेसशिप के अंदर हो, आंखें बंद करो, फिर आपने 10 मिनट के लिए आप स्पेसशिप में जा रहे हो अराउंड द अर्थ, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी वहाँ पे, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस, ठीक है ना। तो इजंट इट अमेजिंग, ये हैरान करने वाली बात है कि ऊपर ऐसे होता है। कैन यू नो से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग, अब आपको पता चलेगा कि जो सुनीता के बाल हैं वो खड़े क्यों रहे, ड्यू टू ज़ीरो ग्रेविटी इन स्पेस, क्योंकि स्पेस की जो ग्रेविटी है वो कुछ भी नहीं है, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तभी सुनीता के जो हेयर्स हैं दैट केप्ट स्टैंडिंग। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप, पानी देखो जब भी होता है वो नीचे की तरफ क्यों फ्लोट करता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लो, देखो जो पहाड़ों से पानी होता है वो भी नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है ना, पहाड़ों से नीचे गिरता है, या ना कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है, नॉट अपवर्ड बट डाउनवर्ड। वाई द अर्थ हैज़ ए ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ का क्या है, ग्रेविटी या पुल है, अर्थ खींच के रखती है, ठीक है ना। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन, इसी ग्रेविटी की वजह से जो पानी है ऊपर नहीं जाता है, नीचे की तरफ आता है। मैजिक फर्स्ट, ए टाइनी पेपर रेसेस ए कॉइन, टेक ए क्या है, एक 5 रुपये का कॉइन लो एंड ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक आप 5 रुपीज़ का कॉइन लो और एक पेपर का पीस लो। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द कॉइन, तो उसका 1/4 साइज होना चाहिए कॉइन का, ठीक है ना, किसका, पेपर का, ठीक है ना। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन अदर हैंड, एक हाथ में आप कॉइन और दूसरे हाथ में आप पेपर पकड़ो, ठीक है ना। ड्रॉप देम, एक ही बार दोनों को नीचे फेंक दो, व्हाट हैपन, क्या होगा? नो प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम, व्हाट हैपन, अच्छा एक तो आपने ऐसे किया, अब उसके बाद आप क्या करो, ये जो नो प्लेस द टाइनी पेपर, टाइनी जो छोटा वो पेपर, टाइनी मीन्स स्मॉल, ठीक है ना, जो छोटा सा पेपर आपने काटा है 1/4 ऑफ द कॉइन ऑन द, उसके ऊपर कॉइन रख दो एंड दोनों को इकट्ठे ड्रॉप कर दो, व्हाट हैपन, सरप्राइज्ड, पहले क्या हुआ, व्हेन ड्रॉपिंग द कॉइन इन वन हैंड एंड पेपर इन अदर हैंड द कॉइन रीच्स द ग्राउंड फास्टर, पेपर से ज़्यादा जल्दी कौन नीचे आया, कॉइन आया। अच्छा व्हेन प्लेसिंग द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन, जब अब टाइनी पेपर रखा कॉइन के ऊपर एंड ड्रॉपिंग देम टुगेदर, इकट्ठी उनको नीचे भेजा,
बोथ रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों, ए माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। देखो एक, इसका मतलब है एक माउस, ठीक है ना, इसमें सेकंड में बताना है, माउस होता है चूहा, चूहे ने हाथी को उठाया। टू प्ले दिस यू नीड ए स्मॉल स्टोन, इसके लिए, इसको खेलने के लिए आपको एक छोटा सा पत्थर, कंकर चाहिए, छोटा सा पत्थर, और एक बड़ा सा पत्थर चाहिए, लेमन साइज, लेमन का जितना नींबू का साइज़ होता है उतने आप पत्थर एक लो और एक छोटा पत्थर लो, छोटा स्मॉल पेबल, एक थिक रोल ऑफ पेपर, और एक थिक रोल लो आप पेपर का, रोल करके ना पेपर को, और मोटा, विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर, जो 5-7 लेयर्स पेपर की के साथ वो बनना चाहिए, ठीक है ना, एक रोल जैसा। माउस एंड एलिफेंट मेड अप ऑफ पेपर, और एक माउस और एलिफेंट जो पेपर का बना हो। टेक ए स्ट्रिंग अबाउट 2 feet, फिर आप एक धागा लो 2 feet लंबा। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, एक साइड से आप क्या उसको बांध दो, धागे के ऊपर आप क्या बांध दो, टाई द स्मॉल स्टोन, छोटा वाला पत्थर बांध दो। स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन, आप ये स्टिक कर दो या उसको चिपका दो या टाई कर दो माउस स्टोन के साथ। पुट द स्ट्रिंग इन टू द रोल अ पेपर, अब जो स्ट्रिंग है, जो धागा, उसको रोल पेपर के रोल के साथ उसको पुट द स्ट्रिंग इन टू द, उसके ऊपर बांध दो क्या धागा। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन, एक साइड से आपने उसको बांधा वो क्या माउस, और दूसरे साइड से आपने उसको क्या बांधना है, बड़ा वाला पत्थर। स्टिक द एलिफेंट, उधर से आप उसको एलिफेंट उसके साथ स्टिक कर दो। होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड, अब होल्ड करो पेपर और अपने हाथ को मूव करो। टू रोटेट ए स्मॉल स्टोन, अब रोटेट करो स्मॉल स्टोन को। हु इज़ पिलिंग होम, यू विल बी सरप्राइज द माउस लिफ्ट, आप सरप्राइज हो जाओगे, जो माउस है वो लिफ्ट कर रहा है किसको, एलिफेंट को, यानी छोटे वाला पत्थर बड़े वाले पत्थर को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन, ठीक है ना, कुछ हैरान करने वाली चीज़ें, मैजिक जैसा आपको बताया हुआ है, ठीक है ना बेटा। आप इसको पढ़ो तो फिर आपको इसको समझ में आएगा, कल हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मतलब